जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर, और मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने दोस्तों कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। मैं दवा ठो कर कहता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा 100%। आप इनको अच्छे से नोट कर लेना, 10 क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ, लेकिन मैं फुल विस्तार से आपको बताऊंगा दोस्तों, एक एक प्रश्न को विस्तार से समझाऊंगा। और याद रखना, प्रश्न हमारा गलत नहीं होगा प्यारे मित्रों। शाम को साढ़े सात बजे इसी चैप्टर की लाइव क्लास चलेगी, तो आप सभी को लाइव क्लास जरूर अटेंड करनी है, ठीक है। और दोस्तों, लगातार मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, हर एक वीडियो को अच्छे से नोट करते रहे, ठीक है। आराम से अच्छे 100 में से 100 नंबर आपके आएंगे, कोई नहीं काटने वाला दोस्तों। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री और हिंदी अनिवार्य की भी दोस्तों जल्द से तैयारी स्टार्ट करवा देंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपके सामने यहां पर पहला क्वेश्चन है। देखो पहले चैप्टर का नाम देखो, कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 4 भारत के विदेश संबंध, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, पंचशील समझौता कब और किसके मध्य हुआ। अरे दोस्तों, मैं तो लाइक और शेयर कर भाई कहने के लिए भूल गया। बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पंचशील समझौता कब और किसके मध्य हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पंचशील समझौते के लिए बोल रहा है कि पंचशील जो समझौता हुआ था वो किस किस के मध्य हुआ था प्यारे मित्रों, तो याद रखना। सुनो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, को पंचशील समझौता हुआ था, अब किस किस के मध्य हुआ था वो भी देख लो। याद रखेंगे, इसका आंसर आपको लिखना है 23 अप्रैल 1954 को जो है, याद रखना, पंचशील समझौता हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? भारत और चीन के बीच जो है वो पंचशील समझौता हुआ था। अब आपको प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, तो इस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना प्यारे मित्रों, उस समय भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम, वे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको याद रखना है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना दोस्तों, चीन के तो सब लोग नाक बोले, यानी सभी नेता नाक से बोलते हैं, चाउ एन लाई। तो लिखना प्यारे मित्रों, उस समय जो चीन के प्रधानमंत्री थे वे थे चाउ एन लाई या लउ लिखा मिलता है प्यारे मित्रों, तो आपको याद रखना है चाउ एन लाई। ये कौन थे? ये चीन के प्रधानमंत्री थे। यूपी और एमपी बोर्ड में ये प्रश्न पूछा गया था कि चाउ एन लाई कौन थे, हाफ एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था चाउ एन लाई कौन थे, तो याद रखना ये चीन के प्रधानमंत्री है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। तो याद रखना, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने बताया कि जो पंचशील समझौता है वो कब हुआ था, वो हुआ था 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच, याद रखना, ठीक है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के थे चाउ एन लाई, ये याद रखना है। आगे देखिएगा, ताशकंद समझौता कब और किसके मध्य हुआ था, तो ताशकंद समझौते की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है ताशकंद समझौता। अब लिखो दोस्तों फैक्ट, याद रखना, मैंने आपके सामने बोला ताशकंद समझौता, तो आप लिखो जल्दी से ताशकंद समझौते के बारे में लिखो। ताशकंद, पहले हेडिंग डालो ताशकंद समझौता। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो समझौता है ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था प्यारे मित्रों ताशकंद में। और ताशकंद जो है वो याद रखना उज्बेकिस्तान की राजधानी है, उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है प्यारे मित्रों वो राजधानी है ताशकंद। ताशकंद समझौता कहाँ हुआ, आप लिखेंगे ताशकंद में हुआ। ताशकंद ये उज्बेकिस्तान की क्या है, राजधानी है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है प्यारे मित्रों ताशकंद, ये याद रखना है। ताशकंद समझौता कब हुआ था, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था, ये आपको याद रखना है। किस किस के मध्य हुआ था, तो आपको लिखना है इंडिया यानी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ताशकंद समझौता, ठीक है। याद रखेंगे प्यारे मित्रों, इन दोनों के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था ताशकंद समझौता। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि ताशकंद समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताशकंद समझौते के समय प्यारे मित्रों भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे प्यारे मित्रों? लाल बहादुर शास्त्री। सुनो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस समय लाल बहादुर शास्त्री जो है भारत के प्रधानमंत्री थे,
है। और याद रखना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अयूब खान। अयूब खान जो है उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। प्यारे मित्रों, जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान के अयूब खान। अब प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि बताओ, याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु किस समझौते के दौरान हुई थी? ताशकंद समझौते के दौरान ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था, यानी 11 जनवरी 1966 को ही प्यारे मित्रों इसी समझौते के दौरान लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो यह भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। बिल्कुल, अभी तो आपके सामने मैंने दो प्रश्न बताए हैं मेरे भाइयों और बहनों। अब आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखो, शिमला समझौता कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शिमला समझौता कब हुआ था? तो याद रखना, मैं यहां पर बता देता हूं, शिमला समझौता हुआ था 1972 में। कब हुआ था प्यारे मित्रों? 1972 में शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता किस किस के मध्य हुआ था? यहां पर पाकिस्तान और मैंने लिख दिया इंडिया। ठीक है, पाकिस्तान और भारत के बीच जो है वो शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता, ताशकंद समझौता दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच हुए थे प्यारे मित्रों। अब प्रश्न पूछा जाएगा शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 10 जनवरी 1966 को हुआ था। याद रखना, शिमला समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो शिमला समझौता के दौरान भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे प्यारे मित्रों इंदिरा गांधी। याद रखना, इंदिरा गांधी जिन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और इंदिरा हटाओ का नारा दिया था ग्रेट अलायंस ने। आपको, आपने पढ़ रखा होगा दोस्तों, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वो चैप्टर करवाएंगे तब समझा देंगे अच्छे से, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। ठीक है, इसके बाद देखो प्रश्न पूछा जाएगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? हमने देखा कि जो अपना शिमला समझौता है वो 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। उस समय भारत के प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी है, तब बताओ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो, नाम थोड़ा अजीब है प्यारे मित्रों, मैं क्या कर सकता हूं। याद रखना, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये उस समय शिमला समझौता के दौरान पाकिस्तान के क्या थे? प्रधानमंत्री। याद रखना, ठीक है, तो ये हमारे ये हो गए। इसके बाद भारत के विदेश नीति के जनक कौन है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों? याद रखना, भारत के विदेश नीति के जनक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या करने होगा दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको करना होगा। भारत में विदेश नीति के जनक कौन थे? भारत के विदेश नीति के जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल, यहां पर आपको करना होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भारत के विदेश नीति के क्या है प्यारे मित्रों? जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कारगिल युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? बिल्कुल आपको याद रखना है, नो टेंशन, बिल्कुल। आज आप जुड़ गए हैं मुकेश महेंद्र एजुकेशन के साथ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल तेरी जबरदस्त करवाऊंगा, सिर्फ आपका काम बढ़ता है मेरे साथ साथ अच्छे से याद करना। प्यारे मित्रों, कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999, यानी 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो प्यारे मित्रों, भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। अब देखो, याद रखना है, मैं बिल्कुल सब युद्ध बता देता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए थे प्यारे मित्रों। आपको पता होगा सबसे पहला युद्ध हुआ था 1947-48 में। ठीक है, 1947 या 1948 में हुआ था कश्मीर विवाद, आपको पता होगा कश्मीर विवाद। ठीक है, कश्मीर विवाद को लेकर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, 1947-48 में युद्ध, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, दूसरा युद्ध हुआ था आपको पता होगा 1965 में, भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1965 में हुआ था। ये देखो, उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री थे, तो 1965 में हुआ था। इसके अलावा प्रमुख तीसरा युद्ध हुआ था 1971 में, 1971 में भारत और पाकिस्तान में बांग्लादेश संकट को लेकर हुआ था। ठीक है, बांग्लादेश को लेकर 1971 में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे प्यारे मित्रों? भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा दोस्तों 1999 में हुआ था, अभी मैंने बता दिया, कारगिल युद्ध जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो याद रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हुए थे, पहला 1947-48 में, दूसरा हुआ था 1965 में, तीसरा हुआ था 1971 में, चौथा 1999 में। ये सब प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, याद कर लेना, नहीं तो साला पुष्पराज झुक जाएगा। आगे देखेगा, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? नेताजी का नाम सुना है, तुम मुझे खून दो मैं भी तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल
आर्मी का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था प्यारे मित्रों, सुभाष चंद्र बोस। नाम सुना होगा सुभाष चंद्र बोस का, तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। अच्छे से याद करना बिल्कुल, मैं एक ही हमें फटाक से बोल रहा हूं दोस्तों, आपका बिना टाइम गवाए आपको क्लास को अटेंड करना, अच्छे से समझना है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं फर्स्ट बोल रहा हूं तो बिल्कुल यहां पर सेटिंग का ऑप्शन दे रखा है, इसको कम कर सकते हैं आप, ठीक है। चलो बिल्कुल आगे देखिएगा, भारत ने किस संधि का विरोध किया था? एनपीटी। नाम सुना होगा परमाणु ए प्रसार संधि। प्यारे मित्रों भारत ने किस संधि का विरोध किया था? तो याद रखना परमाणु ए प्रसार संधि। ये परमाणु ए प्रसार संधि प्यारे मित्रों, इस संधि का भारत ने क्या किया था? विरोध किया था, क्योंकि ये 1968 में हुई थी। देखो इसमें क्या होता है, ये परमाणु शक्ति संपन्न देशों को ही परमाणु हथियार रखने की अनुमति देती थी, और अभी भी जो नए देश आजाद हुए हैं, ठीक है, उनका क्या होगा? तो इसलिए भारत ने इस संधि का विरोध किया। याद रखना एनपीटी परमाणु एक प्रसार संधि का भारत ने विरोध किया था। बिल्कुल आगे देखिएगा, आगे देखते हैं, याद रखना है अगला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है अपने। देखो भारत ने किस संधि का हो गया, भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? बिल्कुल सबको पता है 1962 में हुआ था प्यारे मित्रों। भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो भारत और चीन के बीच युद्ध 1962 में हुआ था, ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके सामने क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति की विशेषताएं लिखिए। बिल्कुल दोस्तों बड़े नंबर के अंदर पूछा जाएगा कि भारत की विदेश नीति की विशेषता बताओ। अब ये बड़ा है भाई, इसको मैं यहाँ पर लिखवा नहीं सकता, आप सुनना सिर्फ। देखो पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखना है, वैसे नोट्स तो आपने पढ़ी लिए होंगे प्यारे मित्रों, मैंने अच्छे से कवर करवा रखा है। अगर इस प्रकार के बड़े क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाए कि भारत की विदेश नीति की विशेषता बताओ, तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। उत्तर लिखने का भी एक तरीका होता है दोस्तों, किस प्रकार लिखना है, प्रश्न आपको पूछा जाए कि भारत की विदेश नीति की विशेषता बताओ, तो आपको लिखना है उत्तर, फिर कॉपी के बीच में लिखना है भारत की विदेश नीति, ठीक है, भारत की विदेश नीति, फिर नीचे लिखना है कि भारत की विदेश नीति की निम्न विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट, भारत की विदेश नीति की विशेषता में पहला पॉइंट आपको लिखना है शांति बनाए रखना। पहला पॉइंट क्या लिखना है? शांति बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना, ठीक है, उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का विरोध करना, ये भारत की विदेश नीति की क्या है? प्रमुख विशेषता है। रंग भेद नीति का विरोध करना, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में योगदान देना, ये प्रमुख पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखेंगे प्यारे मित्रों। वैसे तो देखो मैंने आपको नोट्स में भी अच्छे से कवर करवा रखे हैं, अगर आपने इस चैप्टर के नोट्स नहीं उतारे तो उतार लीजिएगा, यूट्यूब पर मैंने बिल्कुल फ्री करवा रखा है। अगर आप चाहते हैं कि हमें हस्तलिखित नोट्स जो है चाहिए, तो बिल्कुल हस्तलिखित नोट्स दोस्तों, नोट्स बुक तैयार है, आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पर पीडीएफ के रूप में, अभी चैप्टर वाइज मिल जाएगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों बुक की ₹50 में। आपको पता है आपके सामने ऑफर आ रखा है, पॉलिटिकल साइंस की प्राइस ₹71 है, 8 अक्टूबर से पहले पहले आप खरीद सकते हैं, प्राइस दोस्तों ₹50 है, ठीक है। तो बिल्कुल आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, इन नंबरों पर आपको मिल जाएगी, पूरी बुक मिलेगी, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों बुकें मिलेंगे चैप्टर वाइज, तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, साथ ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा, लाइव क्लास देख लेना, आपके शाम को कंफर्म हो जाएगा ये टॉपिक। तो इसके बाद क्वेश्चन है अपना, भारत की परमाणु नीति के बारे में आप क्या जानते हो? यह भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है, भारत की परमाणु नीति के बारे में तो क्या जाने। देखिएगा भारत की परमाणु नीति के बारे में आप क्या जानते हो? तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे प्यारे मित्रों कि भारत शांतिपूर्ण कार्य हेतु परमाणु नीति का क्या करेगा, उपयोग करेगा या प्रयोग करेगा, ठीक है। भारत जो है परमाणु देखो क्या पूछा है, परमाणु नीति का तभी प्रयोग करेगा, यानी परमाणु का तभी प्रयोग करेगा वो अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है, अगर उस पर कोई संकट आ जाएगा तो ही परमाणु का उपयोग करेगा भारत, ये प्रमुख दूसरे परमाणु नीति में आप ये लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा, अगर उस पर संकट आएगा तभी भारत जो है परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा, पहले नहीं करेगा। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की जो सर्वोच्च शक्ति है वो राजनीतिक सत्ता में होगी, ठीक है, इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो। दोस्तों मैंने आपके सामने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, बिल्कुल फटाफट बता दिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करें, और शाम को 7:30 बजे प्यारे मित्रों क्लास होगी इसी चैनल पर पॉलिटिकल साइंस की, और हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए एक नया चैनल है महेंद्र ब्यावर कोचिंग, उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर 8:10 पर आज क्लास चलेगी ज्योग्राफी की, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।